गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी वैरी रहती है वो प्रीति के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करती है, और जिसको प्रीति सीरियसली ले लेती है और वो कहती है कि अब तुम मेरे पास मत आओ, अब तुम चाहत के पास ही जाओ, वैसे भी चाहत तुम्हें ज़्यादा पसंद है ना। और ये बात प्रीति को अच्छी नहीं, वैरी को अच्छी नहीं लगती है प्रीति की। प्रीति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है कि जब देखो चाहत चाहत चाहत, तो इस वजह से वो गुस्से में कह देती है। लेकिन जब लास्ट टाइम पे वो जब उसे घर ड्रॉप करने जाती है, तो वैदी बहुत सीरियस तरीके से पूछती है कि क्या आप मुझसे कल से बात नहीं करोगे। तब प्रीति कहती है कि आप तो यही चाहते हो ना। तो ऐसे कह के बात इनकी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। अब उसके आगे जब प्रीति अपने घर चली जाती है, और वो थोड़ी सी सैड भी होती है और थोड़ी हैप्पी भी रहती है। हैप्पी इसलिए रहती है क्योंकि उसे इतने सारे क्यूट क्यूट मोमेंट्स बिताने के मौका मिले। भले वो झगड़ती थी, भले वो लड़ती थी वैदे के साथ, लेकिन उसे अच्छा लगता था। वो गुस्सा करे लेकिन उसके गुस्से को सहन करने वाला कोई एक इंसान उसकी लाइफ में आ चुका था। प्रीति बहुत स्वीट थी और बहुत ज़्यादा अपने मन में हर चीज़ रखने वालों में से थी, क्योंकि प्रीति की लाइफ में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिस पे वो गुस्सा कर सके और जिसके अंदर वो अपना दिल खोल के अपनी चीज़ें बता सके। अपनी मम्मी के साथ अगर वो शेयर करती है तो उसकी मम्मी उसे समझा, मतलब अपनी क्या कह सकते हैं, डोमिनेंट नेचर से चुप करा देती थी। और अनन्या उसकी फ्रेंड कहने के लिए तो थी, पर वो अनन्या के साथ कभी खुल के बात नहीं कर सकती थी और ना अनन्या के सामने कभी गुस्सा कर सकती थी। अनन्या का सिर्फ सिंपल सा ये नेचर था कि वो जैसा चाहे उसके साथ वैसे रहो। निशान तो एटीट्यूड, मोस्ट एटीट्यूड गाय, जिसे सिर्फ अपने अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड इंसान था, या फिर सेल्फिश कह दो, वो था। दूसरी तरफ जो आस्था थी वो तो इन लोगों से कोसों दूरी थी कि ना वो किसी ग्रुप में थी और ना उसे लेना देना था। आप उसके साथ अच्छे तो वो, सेम चीज़ चाहत के साथ भी थी। पर्सनली बोला जाए तो प्रीति को चाहत से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कभी कोई इश्यू भी नहीं था। वो तो चाहत को एज अ फ्रेंड पसंद भी करती थी, पर उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि वैदे चाहत के ज़्यादा क्लोज हो या फिर चाहत वैदे के ज़्यादा क्लोज हो। दोनों में से कोई भी किसी के भी क्लोज जाता था तो प्रीति को अच्छा नहीं लगता था। ये चीज़ के बारे में प्रीति कभी समझ ही नहीं पाई कि क्यों हो रहा है उसके साथ और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी भी उसे जेलसी नहीं फील हुई, कभी उसने इतना गुस्सा भी नहीं किया कभी किसी पर। वो तो बस अपनी इमोशंस को हाइड करने वालों में से थी। लेकिन वैदे के आने के बाद वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीख गई थी। अगर वो गुस्सा होती थी तो वो गुस्सा उतारती थी, अगर वो हैप्पी होती थी तो खुश होके बात करती थी, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले वो सिर्फ स्वीट तरीके से रहती थी। कुछ बदलाव अच्छे भी थे जो उसमें हो रहे थे, लेकिन कुछ बदलाव वो किसी और के लिए बुरे हो रहे थे। जैसे कि अगर वो गुस्सा करती थी तो वो कभी कभार अपनी मॉम पे भी गुस्सा हो जाती थी, तो ये बात देखकर उसकी मॉम को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो बहुत स्वीट नेचर की थी और वो एकदम से अब गुस्सा करने क्यों लग गई है। लेकिन उसकी मॉम ने कभी समझना भी नहीं चाहा उसे, क्योंकि वो एक्चुअल में स्वीट नेचर की नहीं थी, उसे स्वीट बनना पड़ता था क्योंकि उसकी बातें सुनने के लिए कोई था भी नहीं। तो प्रीति को एक तरफ खुशी भी थी तो एक तरफ दुख था कि उसे अब चाहत की वजह से उसने वैदे को इतना सब कुछ बोल दिया, तो अब वो चाहकर भी वैदे के पास नहीं जा सकती है। और सुकून और मस्ती और मजा सब कुछ तो उसे वैदे के साथ ही आता था, तो मिक्स फीलिंग थी उसके अंदर। और जब वो अपने रूम पर जाती है तो चुपचाप बैठ के रहती है, कुछ नहीं करती, पढ़ाई करने की कोशिश करती है, उससे नहीं होती है, थोड़ी देर टीवी देखती है, टीवी भी नहीं देखे उसे, टीवी पे भी मतलब मन नहीं लगता है उसे। ऑल टाइम लगता है कि यार अगर मेरी बातों को सीरियसली ले लिया वैदे ने और वो चाहत के पास चली गई तो फिर मेरा क्या होगा। तो उसके दिमाग में थॉट फॉर्म्स इतने ज़्यादा आ रहे रहते हैं। तभी उसकी मॉम उसको बोलती है प्रीति के अंदर तो थॉट फॉर्म्स आ रहे रहते हैं, वो टीवी के सामने सिर्फ बैठ के बैठी रहती है, कार्टून्स देख रही रहती है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही रहती है। तभी उसकी मम्मी एकदम से उसे हिला के बोलती है प्रीति, तो वो बोलती है हाँ मम्मा, तो वो कहती है अरे मैं कितनी देर से आपको बुला रही हूँ प्रीति प्रीति करते हुए, आपको सुनाई नहीं दे रहा या आपका ध्यान नहीं है। तो कहती है सॉरी मम्मा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कहती कहाँ ध्यान है, तो कहती क्या और आज आप मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी। तो कहती बताकर तो गई थी मम्मा कि मैं वैदे के पास जा रही हूँ। तो कहती ये वैदे कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है आपका आजकल,
और भैया अगर आपको पढ़ना है तो अनन्या के साथ जाकर पढ़ो, अनन्या एक टॉपर है, आपके साथ पढ़ोगी आप उसके साथ तो और ज़्यादा मार्क्स लाओगी, क्यों आपको नॉन टॉपर के पास जा जाके पढ़ाई करनी है। तभी प्रीति को भी थोड़ा सा गुस्सा रहता है तो वो एकदम से चिल्ला के बोल देती है अपनी मम्मी को, मम्मा प्रॉब्लम क्या है, मुझे जिसके साथ पढ़ना अच्छा लगेगा मैं पढ़ाई करूँगी ना, हर चीज़ में आपके हिसाब से नहीं चल सकती हूँ, ये क्या बात हुई कि अनन्या के साथ पढ़ो, मुझे नहीं पढ़ना है उसके साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वैदेही के साथ अच्छा लगता है, मुझे वैदेही के साथ ही पढ़ना है, अब आप उसमें मुझ पर रोक टोक मत लगाओ, मैं उसके साथ घूमने फिरने नहीं गई थी, पढ़ाई करने गई थी, आप उसमें भी मुझे रोक टोक लगा देते हो, नहीं मुझे नहीं करनी है, और ऐसे कह के प्रीति चली जाती है। प्रीति का ये एटीट्यूड उसकी मम्मी को इतना ज़्यादा गुस्सा दिला देता है कि उसे समझ भी नहीं आता है, और उसकी मम्मी ये बोलने लगती है पहले तो ऐसी नहीं थी, तो वो बोलने लगती है कि वैदेही की संगति में रह रह के, वैदेही की दोस्ती कर करके वैदेही जैसी होती जा रही है, पर वैदेही तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, वैदेही बहुत स्वीट थी और अपनी मॉम के साथ मस्ती मजाक करती थी, और वो कभी डिसरिस्पेक्ट से अपनी मॉम से बात ही नहीं करती थी, पर यहाँ बेचारी वैदेही का तो नाम भी खराब हो रहा था, पर क्या कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो उसकी मम्मी रहती हैं वो उसके पापा को फ़ोन लगाती है प्रीति के, और प्रीति के पापा को सब कुछ बताती है, तो प्रीति के पापा बोलते हैं कि रुको मैं आकर बात करता हूँ, तो प्रीति के पापा करीब 2 या 2.5 घंटे के बाद वापस आते हैं, वो टूर पे गए रहते हैं जैसे उनका मार्केटिंग का रहता है, तो वो वापस जब आते हैं तब प्रीति के रूम पर जाके उसे समझाते हैं, जब वो समझाने बैठते हैं तो वो पूछते हैं प्रीति हुआ क्या है बेटा आजकल आप गुस्सा ज़्यादा नहीं करने लग गए हो, तभी वो कहती है पापा मैं सच बोलूँ आपसे, तो पापा बोलते हैं हाँ बेटा पापा के साथ सच नहीं बोलोगी तो और किसके से बोलोगी, बोलो क्या हुआ है मुझे जानना है आज मेरी बेटी इतनी गुस्से वाली कैसे होती जा रही है, कहती पापा मैं पहले से ही गुस्से वाली हूँ, उसके पापा शॉक्ड हो जाते हैं और पापा पूछते हैं नहीं बेटा कहाँ गुस्से वाली हो आपने कभी गुस्सा ही नहीं किया हम पर, तो कहती वही तो प्रॉब्लम है पापा क्योंकि मैंने गुस्सा नहीं किया आप लोगों पे, मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत गुस्सा आता था, आपको पता है मैंने आपसे एक बॉल मांगी थी जिसे स्ट्रेस बॉल कहते हैं, तो कहते हैं हाँ पापा वो उसकी हालत देखी है आपने, तो कहते नहीं बेटा आप पहले उसकी हालत देखो, तो पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है कहाँ रखी है, तो वो बोलती हैं पापा वहाँ रखी है, तो वो उसके पापा जाते हैं ड्रॉ ओपन करते हैं, वो स्ट्रेस बॉल की हालत देखते हैं, वो जो स्ट्रेस बॉल की हालत देखकर उसके पापा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसमें वो पूरी की पूरी मतलब वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी रहती है, उसमें इतने गड्ढे हो चुके रहते हैं या उसमें से बोलो कुछ हर चीज़ गायब हो जाती है, तो पापा उसकी बॉल को लाकर उसके सामने खड़ा करते हैं और बोलते हैं बेटा ये क्या है ये बॉल का ऐसी हालत कैसे हो गई, तो कहती यही तो बताना चाहती हूँ पापा स्ट्रेस बॉल मैंने इसलिए मंगाई थी कि जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं पूरा गुस्सा इस पे उतारती थी, मैंने कभी भी अपना गुस्सा और अपना कोई भी चीज़ किसी पे एक्सप्रेस नहीं करी है और अभी मैंने एक्सप्रेस करना सीखा है, अभी मुझे गुस्सा आता है तो मैं कर देती हूँ, मुझे मम्मी की हर बात पे गुस्सा आता था हर चीज़ पे आता था, मम्मी का रोक टोक हर चीज़ नहीं होती है हैंडल, मम्मा जब देखो मुझे से फोर्स ही करती हैं हर एक चीज़ के लिए, कभी भी उन्होंने मुझसे आकर पूछा ही नहीं, आज पता है पापा मैं वैदेही के घर गई थी वैदेही की मॉम से मिली, वैदेही की मॉम इतनी प्यारी है ना इतनी कूल नेचर की है कि वो मेरा साथ देकर मुझको बोली कि जाओ आप ना वैदेही की क्लास लो, तो उन्होंने मुझको ना अलाव किया और इतना हम लोगों ने ना हम दोनों ने मिलके वैदेही की क्लास ली और मुझे ना उनके साथ बहुत अच्छा लगा, पापा पापा वैदेही की मम्मी कितनी फ्रेंडली है कूल है मस्ती खो रहे हैं पर मेरी मॉम नहीं है और मुझे मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है पापा, कुछ चीज़ें होती है मैं बड़ी हो रही हूँ धीरे धीरे ना मुझे थोड़ा गुस्सा मेरा आता है, पर मम्मी ना अभी भी वो मुझे बच्चों वाली समझती है प्रीति और मुझ पे ना अपनी चीज़ें डाल देती, कभी मुझसे पूछती नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ क्या है, थोड़ा तो मुझे फ्रीडम दो ना पापा, क्या प्रॉब्लम है, गुस्सा आता है मुझे आजकल बहुत आता, मुझे आजकल नहीं मुझे स्टार्टिंग से आता है, बस वैदेही ने मुझे एक्सप्रेस करना सिखाया है अपने इमोशंस, उसे मुझे एक चीज़ कही कि जो हो आप वो दिखाओ दुनिया को अच्छा बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तभी उसके पापा प्रीति को बहुत टाइटली हक करके बोलते हैं, कहते हैं ये बात तो सही कही वैदेही ने कि जो हो वो दिखाओ किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है,
पर बेटा, गुस्सा अगर पहले से बहुत ज्यादा आता था तो कभी मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो था ना आपके पास। तभी वो कहती है, पापा आप होकर भी नहीं थे मेरे पास, क्योंकि आप जब आते हो वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आते हो, बाकी टाइम पे तो आपके ऑफिस का काम ही इतना ज्यादा रहता है। मैं समझती हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं नहीं समझती, पर पापा लेकिन मैं किसके साथ एक्सप्रेस करूँ? तो उसे पापा कहते हैं, गलती कुछ मेरी भी है और गलती तुम्हारी मम्मी की तो बहुत ज्यादा है। अच्छा एक बात पूछूँ मैं? तो वो कहते हैं कि हाँ, क्या वैद्य अपनी मॉम के साथ गंदे तरीके से बात करती है? तो प्रीति कहती, नहीं पापा वो बहुत फ्रेंडली है, वो बहुत रिस्पेक्टफुली तरीके से बात करती है, इवन वो अपनी मम्मी क्या, वो तो मेरी मम्मी से भी बहुत अच्छे से बात करती है, वो बहुत रिस्पेक्टफुल है, वो कभी किसी के साथ डिसरिस्पेक्ट वे में बात नहीं करती है। तो आपने आज मम्मी के साथ डिसरिस्पेक्ट वे में बात करी, तो मम्मी को लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको वैदेही ने सिखाई है। तो वो बोलते, नहीं पापा वैदेही ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, और मम्मी पे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मम्मी ना मुझे वैद्य से मिलने के लिए रोकती रहती हैं। तो उसकी मम्मी कह तो पापा कहते हैं, बेटा वो इसलिए रोकती है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वैद्य सही लड़की नहीं है और वो आपको बिगाड़ देगी या सिचुएशन आपके साथ कुछ ख़राब हो जाएगी, इस वजह से वो ऐसे बोलती हैं। तभी उसे पापा कहते हैं कि बात मम्मा पापा बात वो नहीं है, वैदी बहुत अच्छी है, मैं कभी मम्मी से अच्छे से मिलवाऊंगी उसे। तो कहते हैं, हाँ ठीक है चलो, आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और सो जाओ, मैं जाता हूँ। वहाँ से नीचे चले जाते हैं प्रीति के पापा। प्रीति के पापा बहुत अच्छे से समझाते हैं उसकी मॉम को कि देखो ऐसे से ऐसा है, कुछ भी नहीं है, वैदी बहुत अच्छी लड़की है। और लेकिन उसकी मॉम ये समझना चाहती नहीं थी क्योंकि उसका तो ऐसा था कि प्रीति ने मेरे साथ डिसरिस्पेक्ट वे में बात क्यों करी। तो उसकी मॉम को अगर कितना भी समझाओ तो अभी वो समझने वाली तो थी नहीं, तो उसके पापा भी समझदारी दिखा के छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जब रिमझिम रहती है, वो अपने घर जाती है तो अपनी सिस्टर से मिलती है और सिस्टर को बोलती है, दी मुझे आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है। तो उसकी दी बोलती है, ओ मतलब आज आपके पास कोई टॉपिक है, वरना तो हर बार आपको मुझसे बात करनी रहती है। तो वो बोलती है कि दी बात करनी है ना, प्लीज़ चलो। तो रिमझिम जब बात करती है तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही रहती है अपनी सिस्टर से। लाइक कि उसका पहला क्वेश्चन होता है कि आपको कैसे पता चला था कि आपको आपको फीलिंग्स है अपने बॉयफ्रेंड के लिए। तो उसकी दीदी बताती हैं कि जब वो किसी और से बात करता था या वो किसी और लड़की के पास जाता था तो मुझे जेलसी फील होने लगती थी, और मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, और मुझे टाइम नहीं देता था तो अच्छा नहीं लगता था। दूसरा क्वेश्चन रिमझिम पूछती है कि दी वो ऐसा, मतलब आपको समझ में कैसे आया कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, मतलब ऐसे? तो उसकी दी बोलती है कि बेटा वो तो पता चल जाता है ना, क्योंकि वो बहुत केयरिंग नेचर का है और मेरे लिए ना मतलब जैसे भले हम लोग लड़ते झगड़ते हैं पर मुझे टाइम देता है, मेरी केयर करता है, मेरे खाने पीने का ध्यान रखता है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है पसंद वो हर एक चीज़ का चीज़ उसको पता रहती है। और है दी, आपको फाइनली कब पता चला कि वो आप दोनों एक दूसरे को एज अ फ्रेंड लव, नहीं मोर देन फ्रेंड लव करते हो? तो कहती है कि हाँ मुझे कभी भी, मतलब मेरे और भी फ्रेंड्स हैं मेल फ्रेंड्स, जब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी या उनको हग करती थी या उनके साथ हैंड होल्ड करती थी तो उनके टच से मुझे कभी कुछ फील नहीं होता था और मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि इनके टच करने से मुझे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जब भी मेरा बॉयफ्रेंड मुझे टच करता है या मुझे हग करता है तो मुझे अच्छा लगता है, आई मीन आई फील बेटर देन एनी वन, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये राइट पर्सन है तो अच्छा लगता है। फीलिंग दीदी कभी भी किसी के लिए भी आ सकती है, ऐसी वाली फीलिंग। तो उसकी दी बोलती है कि हाँ बेटा ये फीलिंग्स ना कंफर्ट लेवल होता है, ये कभी भी किसी के लिए भी आ सकती है और ये ना एक सुकून होता है, मतलब फीलिंग्स जो होती है ना ये सामने वाले को एक से दूसरे को कनेक्ट करती है,
तो इसमें मैटर नहीं करता कि ये फीलिंग्स कभी किसी के लिए आए। अभी आपको पता है, कभी कभार तो एक यंग बॉय को एक ओल्ड वूमेन से प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि देर वाइब्स आर गेट मैच्ड और उनको अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ, और वो दोनों कंफर्ट लेवल होते हैं, सुकून मिलता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सब चीज़ें होती है। या फिर ये बोलो, एकदम यंग वूमेन को, यंग गर्ल को एकदम ओल्ड मैन से प्यार हो जाता है। कभी भी किसी को भी कहीं पे भी हो जाता है। तभी एकदम से रिमझिम बोलती है, क्या कभी किसी लड़की को किसी और लड़की से भी प्यार हो सकता है? तो उसी दीदी थोड़ी देर तक चुप हो जाती है और बोलती है कि रिमझिम, क्या आपके अंदर किसी और के लिए फीलिंग्स आ रही है? तब वो बोलती, नहीं नहीं दी, मेरे अंदर किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है, बट मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, क्या किसी एक लड़की के लिए दूसरी लड़की के लिए भी वो सेम फीलिंग हो सकती है जो आप मुझे बता रहे हो? तो उसकी दी बोलती है, हाँ, हो सकती है बेटा, क्योंकि फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है ना, वो बियॉन्ड द जेंडर होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का है तो वो लड़की से ही प्यार करे, एक लड़की है तो लड़के से ही प्यार करे। लड़की लड़के 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 भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। ये तो फीलिंग्स का खेल है। अगर फीलिंग्स किसी के लिए आ गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तभी वो बोलती, थैंक यू दी, सब कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। तभी उसकी रिमझिम उठ के जा रही रहती है, तब उसकी दीदी एकदम से हाथ पकड़ के बोलती है, बैठो इधर। तो कहती है कि हाँ दी, बोलो। तो कहती है कि बेटा, बहन हूँ आपकी, बड़ी बहन, आप मुझसे ही सारे सवालों के जवाब पूछ कर जा रहे हो, पहले ये बताओ कि आप किसके साथ हो जो इतनी सारी फीलिंग्स के बारे में पूछ रहे हो? तो कहती है, नहीं मदी, आपको लगता है कि मुझे किसी से प्यार व्यार होगा? ये प्यार व्यार ना मेरी कप ऑफ टी नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने किसी को देखा है जो ये फील कर रहा है, और दोनों साइड से लगता है मुझे, इसलिए मैंने आज आपसे ये सारे सवाल पूछे। तो कहती, क्यों, किसको हो गया है? अरुण को हो गया क्या किसी से? तो वो कहती है कि नहीं दी, ओ तो वैदेही को प्यार हो गया, पर वैदेही को तो निशान पसंद था ना, जहाँ तक मुझे पता है। तो कहती है कि हाँ दी, उसे निशान ही पसंद है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन पर दी उसका ना आजकल क्लोजनेस किसी और के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। किसके साथ? उसकी दी पूछती है। तभी वो बोलती है कि प्रीति के साथ। प्रीति वो तुम्हारी टॉपर? तो कहती है हाँ दी, वो प्रीति टॉपर। और पता है दी, आज मैं जब थी ना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा, प्रीति और वैधी के बीच में कुछ है, आई मीन कुछ अलग ही था। मतलब कि जैसे मैं और वैधी हैं, हम दोनों के बीच में ये बाउंड मुझे कभी नहीं दिखा, और ना कुछ अलग ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या था, पर था। और ना वो अलग ही तरीके से था। मतलब प्रीति भी अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, वैधी भी बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही थी, और इन दोनों का बिहेवियर फ्रेंड्स जैसा नहीं। मतलब मैं कैसे समझाऊं दी, मतलब मेरे साथ जैसा बिहेवियर है वैदेही का वैसा नहीं था। ओ तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब मैं जो सोच रही हूँ आप वैसा बोल रहे हो? तो कहती, हाँ जैसा आप सोच रहे हो, हाँ मुझे भी कुछ अलग ही लग रहा है दी। मैं श्योर नहीं हूँ, पर इसलिए मैं आपके पास आई क्योंकि वैदेही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और अगर वो कुछ ऐसा हो रहा है उसके साथ, शायद वो खुद भी नहीं जानती क्या हो रहा है उसके साथ, पर मुझे उससे बात करनी है, तो उससे पहले मुझे समझना था कि ये सब चीज़ें होती क्या है। तो उसकी दी बोलती कि हाँ आप बात कर लो, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो उसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब ये दो लोगों के बीच में ये सारी चीज़ें हो रही रहती हैं, उन्हें छोड़ के पूरी दुनिया को दिखता है पर उन्हें नहीं दिखता है। तो वो पूछती है, क्यों दी, आपको नहीं दिखा था? तो कहती, नहीं मुझे तो दिखाई नहीं था, मुझे तो बहुत लेट समझ में आया था। हाँ लेकिन था। ठीक है चलो, अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, इतनी टेंशन मत लो। तो कहती कि हाँ दी, मुझे टेंशन तो नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा होमवर्क करना है, और मैं प्रीति की कॉपी लेकर आई हूँ, मुझे आज बहुत सारा काम करना है। तो कहती है कि अच्छा, मैं कुछ हेल्प करूँ? तो कहती कि हाँ बिल्कुल दी,
थोड़े क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दो, कॉपी से टीप नहीं है बस, और कुछ मैं कर देती हूँ। तो उसकी दी बहुत सपोर्टिव रहती है रिमझिम की, और कहती है ठीक है यार मुझे क्या इशू है, मैं फ्री हूँ, मैं कर देती हूँ। ऐसे करके दोनों कॉपीज में से अपना काम फटाफट कंप्लीट करने रहते हैं। दूसरी तरफ जो वैदी रहती है वो तो मस्त मौला आती है, घूमती फिरती है अपने घर पे, टीवी वीवी देखती है। फिर उसकी मॉम और वो दोनों बैठते हैं, तो वो पूछती हैं कि प्रीति को अच्छे से घर छोड़ दिया था? तो वैदी कहती कि हाँ छोड़ दिया था एंग्री बर्ड को मैंने। तो वो बोलती है एंग्री बर्ड, अब ये क्या नाम रख दिया आपने उसका? तो कहती है वो एंग्री बर्ड है ही मम्मा, जब देखो डर गुस्सा करती रहती है, जब देखो गुस्सा करती रहती है। ऐसा लगता है छोटी सी लाइफ में ना उसे गुस्सा करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है मम्मा। तो कहती है ओ तो उसे गुस्सा कौन दिलाता है? तो कहती है कि मैं। तो उसकी मम्मी हंसते हुए बोलती है कि तो तुम क्यों गुस्सा दिलाती हो उसको? मम्मा मैं तो बस टीज करती हूँ, वो ही गुस्सा हो जाती है, अब उसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है तो मैं क्या करूँ, मेरी थोड़ी ना गलती है। तभी उसकी मम्मी कहती है कि हाँ बेटा हमारी बेटी की तो कभी कोई गलती ही नहीं होती है। तो कहती है हाँ छोड़ो ना मम्मा, इतना टेंशन नहीं लेते, कल मना लूँगी उसे। ओ कल मनाना भी है? अब तो अभी तक मानी नहीं है वो। तो कहती है नहीं मम्मा अभी तक तो कुछ भी नहीं मानी है, अभी तो पूरी एंग्री बर्ड ऐसे गाल ऐसे फूले फूले करके बैठी हुई थी, छोड़ा ही मैं उसको घर पे। मैंने कहा कल के कल देखेंगे, अभी इतना टेंशन नहीं लेते हो। ओके टेंशन नहीं लेते, जाओ सो जाओ रात हो गई। तो कहती है हाँ चलो मैं सोती हूँ। ऐसे कह के जो वैद्य रहती है वो अपने रूम में चली जाती है। फिर सब अपने अपने काम कंप्लीट करके सोने पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल के टाइम होता है, जब स्कूल जाते हैं तो जो वैद्य है वो तो अपनी अपनी मस्त मौला जिंदगी में अपने आराम से आती है। प्रीति टाइम से पहुँचती है, प्रीति टाइम से पहुँचती है, अनन्या से मिलती है। अनन्या उसको बोलती है कि होमवर्क किया? तो कहती है हाँ किया था। तो कहती कॉपी दे मेरा, मुझे जल्दी से दे, मेरा एक क्वेश्चन नहीं हो पाया है और मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो दे। तो वो कहती है कि यार कॉपी तो मेरे पास ही नहीं है। तो वो कहती है कि क्यों नहीं है मेरे पास कॉपी? तो वो बोलती यार वो तो मैंने रिमझिम को दे दी थी। तो वो बोलती है तूने रिमझिम को कॉपी क्यों दी? तो कहती है यार वो उसे कंप्लीट करना था। तो अनन्या बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती कि ऐसे कैसे तू अपनी कॉपी दे देती है, तुझे समझ में नहीं आता है क्या, क्या कर रही है प्रीति? जब देखो अनन्या वैदई, अरे वैदई तक तो फ्रेंडशिप ठीक थी ना, अब तू तो अनन्या के पास ही पहुंच गई है। तुझे कितनी बार बोला यार तू अपने दोस्तों का ग्रुप क्यों चेंज करे जा रही है? तो वो कहती है अरे यार वो फ्रेंड है ना वैदई की, अब वैदई की फ्रेंड है तो यार दे दिया, इसमें क्या बड़ी बात है यार, कॉपी तो है आ जाएगी। और कहती है अगर नहीं आई तो? वैदई ने प्रॉमिस किया है, वैदई लेकर आएगी, वैदई पे ट्रस्ट है मुझे। तो कहती है तुझे वैदई पे ट्रस्ट क्यों है? वैदई तो अभी अभी तेरी फ्रेंड बनी है और तू किसी पे भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकती है। अनन्या नॉन स्टॉप तरीके से बोले रही रहती, तभी वैदई पीछे खड़ी हुई रहती है। और आ, आ, जो वैदई पीछे खड़ी रहती है तो इसमें प्रीति आगे रहती है, तो प्रीति को नहीं दिखता कि वैदई पीछे खड़ी है। तभी वो कहती है कि बात दोस्ती अभी की नहीं है अनन्या, बात है वक्त बिताने की, बात है जितना जानने की। जहाँ तक मैंने वैदई को जाना है मुझे वो ट्रस्टवर्दी लगती है। मैं एक बार ये किसी और पे ट्रस्ट ना करूँ पर मैं वैदई पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, वैदई मेरा कभी ट्रस्ट ब्रेक नहीं करेगी। और उसने कहा है ना कि वो मेरी कॉपी का ध्यान रखेगी, तो वो रखेगी चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार की वो अपनी कॉपी का ध्यान नहीं रखेगी पर वो मेरे लिए खड़ी रहेगी, दोस्त हूँ मैं उसकी, वो मेरे लिए हर टाइम स्टैंड लेगी और बहुत ट्रस्ट करती हूँ मैं उस पर। शायद क्यों करती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वो हमेशा से है मेरे लिए और रहेगी, ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। बाकी और कुछ नहीं पता यार अनन्या, अभी इतने सारे सवालों के जवाब नहीं है। प्रीति वहाँ प्रीति जब ये बोल के शांत हो जाती है तो अनन्या पीछे खड़ी सॉरी वैदी पीछे खड़ी हुई रहती है और वैदी ये सारी बातें सुन रही रहती है। उस वैदी के पीछे खड़ी रहती है रिमझिम, तो रिमझिम भी ये सुन रही रहती है कि भाई क्या चल रहा है, इतना ट्रस्ट वो भी कुछ समय की दोस्ती पर। तो वैदी और चुपचाप वहाँ से निकलती है तो प्रीति की तरफ देखती है, स्माइल करते हुए चली जाती है। प्रीति को समझ में नहीं आता ये मेरे को स्माइल देते हुए क्यों जा रही है, पर मैं तो गुस्सा हूँ ना इससे। तो प्रीति स्माइल नहीं देती है और उसको एकदम एकदम क्वेश्चन भरी नज़रों से देख के बोलती है कि क्या
तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो बहुत प्यारी स्माइल करती है। दूसरी तरफ रिमझिम आती है, तो रिमझिम जब उसका क्वेश्चन भरा चेहरा देखती है और वो वैदेही की तरफ देखती है, तो वो और स्माइल करती है और वो भी स्माइल वाला चेहरा देख कर जाती है। तो अब प्रीति कन्फ्यूज हो जाती है कि क्यों मुझे ये लोग स्माइल वाला चेहरा देखते हुए जा रहे हैं। थोड़ी देर में जो प्रीति की सारी कॉपीज और नोट्स बुक्स जो रहती है वो रिमझिम लाकर उसके हाथ में देती है और बोलती है थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग वैदेही। तो वो बोलती है वैदेही, तो बोलती है कि हाँ आपको वैदेही पे ट्रस्ट था ना, तो कहती नहीं मुझे आप पे ट्रस्ट था तभी तो मैंने आपको कॉपी दी है, तो कहती नहीं आपको वैदेही पे ट्रस्ट था और मुझ पे नहीं था, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि वैदेही ट्रस्टवर्दी है, आपने उस इंसान पे ट्रस्ट किया है जो मेरी जान है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने उस पे ट्रस्ट किया है। और कम से कम आप इतनी अच्छे हो कि आप अपने दोस्तों के सामने वैदेही की स्टैंड तो ले सकते हो, और मुझे ये बात का अच्छा लगा। तो कहती मैंने कब स्टैंड लिया? तो कहती अभी आप थोड़ी देर पहले तो अनन्या को बोल रही थी कि मुझे वैदेही पे ट्रस्ट है, मेरी नोटबुक वो ला कर देगी भले कोई और ला कर दे या ना दे, भले एक बार की रिमझिम भूल जाए पर वैदेही ने बोला है तो वो लेकर ही आएगी। तो कहती है हाँ पर वो स्टैंड लेना नहीं था, वो तो मैंने सच बोला था। तो वो बोलती है कि हाँ तो सच भी आपने इसलिए बोला ना क्योंकि आपको ट्रस्ट है। तो कहती है कि हाँ वो तो है। तो कहती बस वही है, और हम लोग स्माइल इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये सारी बातें हम दोनों ने सुन ली थी। अच्छा अभी छोड़ो, असेंबली में जाना, अपनी कॉपीज अच्छे से रख देना। तो वो अपनी कॉपीज़ को अपने बैग में अच्छे से रखती है और फिर असेंबली में चले जाते हैं। असेंबली में वहाँ पर जो चाहत आती है वो वैदेही के पास जाती है और वैदेही से बात कर रही रहती है, क्योंकि चाहत और वैदेही की जो हाइट है वो थोड़ी लगभग रहती है, तो दोनों आसपास ही लगे रहते हैं, और प्रीति की हाइट छोटी रहती है तो प्रीति को आगे लगना रहता है। तो प्रीति जब ये चीज़ देखती है तो उसे इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि फिर ये वैदेही के साथ लग गई, कल ही मैंने फिर ये चाहत के साथ लगी, कल ही मैंने उसको समझाया था कि मुझे पसंद नहीं है, फिर भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता ना कि मैं क्या चाहती हूँ कैसा है, इसे कुछ लेना देना नहीं है, इसे बस अपना ही दिखता है, ये नहीं समझती मुझको। और प्रीति ऐसे गुस्सा हो रही रहती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही रहती है। तो ये चीज़ जो नोटिस करती है वो हमारी रिमझिम बहुत अच्छे से नोटिस कर रही रहती है, पर जो वैदेही है वो तो चाहत के साथ बिजी रहती है। तो वो रिमझिम नोटिस करती है कि जितनी देर ये चाहत के साथ बात कर रही है उतना ही गुस्सा प्रीति को आ रहा रहता है, तो उसे ये चीज़ समझ में आ जाती है। दूसरी तरफ जो चाहत प्रीति रिमझिम जाती है वैदेही के पास और बोलती है कि ज़्यादा बातें मत कर, तूने जो हरकत कर रही है ना उससे तू प्रीति को गुस्सा दिला रही है। तो वो कहती है यार मैंने कौन सी हरकत करी है? तो कहती है कि इतना ज़्यादा अगर चाहत चाहत के पास जाएगी तो प्रीति को गुस्सा आ रहा है। तो कहती है हाँ यार मैं तो भूल ही गई। तो वो कहती है कि हाँ वैसे कल क्या हुआ था तेरे और प्रीति के बीच में? ये दोनों जब बात कर रहे रहते तो असेंबली के बीच में रहते तो बहुत धीरे धीरे बात करते। तो कहती कुछ नहीं यार, मुझको बोल के चली गई कि अब तुमको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, चाहत पढ़ाएगी, जो करना है चाहत के साथ करना, और ऐसे बोल के चली गई। तो कहती है कि हाँ अच्छा, और तो फिर तूने क्या बोला? मैंने तो पूछा था यार सीरियसली बोल कर गई है क्या, ऐसा तो मत कर, पर वो बोल के गई यार कि हाँ। तो कहती है अच्छा तो चाहत के साथ अब पढ़ना स्टार्ट करेगी तू? तो प्रीति कहती नहीं यार मुझे चाहत नहीं चाहिए, मुझे प्रीति चाहिए, मुझे प्रीति के साथ मज़ा आता है। तो कहती कि अच्छा तो प्रीति चाहिए तुझे? रिमझिम कहती है, तो कहती हाँ ना, और कितनी बार बोलूँ यार, एक तो असेंबली में हूँ, ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला भी नहीं सकती हूँ। तो कहती हाँ तो ऐसी हरकत करेगी तो प्रीति मिल गई तुझे, चाहत के पास तो बात बात करने में लगी हुई है, तो जब चाहत के साथ बात करेगी तो कहाँ से मिलेगी तुझे? तो कहती कि हाँ यार अब क्या करूँ, और मैं प्रीति को जाके सॉरी बोलूँ? तो कहती बोल दे, मान जाए तो अच्छी बात है। तो कहती हाँ ठीक है आज मनाती हूँ उसको, आज की मुझसे दूर रहेगी भी कैसे, वैसे भी तुझे पता है ना मैं मनाने में कितनी अच्छी हूँ, मैं मना लूँगी उसे। तो कहती हाँ और व्हाट अबाउट चाहत? तो कहती यहाँ पे चाहत कुछ नहीं है यार, बस बस दोस्त है मेरी, बात बात होती है मेरी। और प्रीति क्या है तेरे लिए? तो कहती है प्रीति भी दोस्त है मेरी। तो कहती है जब दोनों दोस्त हैं तो तुझे प्रीति के लिए इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है? रिमझिम बोलती है, तभी
वैद्य बोलती, यार वो स्पेशल फ्रेंड है, ये फ्रेंड है। अच्छा मैं कौन हूँ तेरी? तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और स्पेशल बेस्ट फ्रेंड में क्या डिफरेंस है? तो वैद्य बोलती है, यार तू मुझे ना गोल 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 क्यों घुमा रही है? सीधे सीधे बोलना, तू मुझसे मुंह से जानना क्या चाहती है? कहती है, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि प्रीति और तेरे बीच में ऐसी क्या बॉन्डिंग है जो वो तुझे स्पेशल लगती है। तो कहती है, यार पता नहीं यार, मैंने कभी इतना सोचा नहीं है और मुझे अभी सोचना भी नहीं है। और यार अभी प्रीति गुस्सा है यार, मनाना पड़ेगा उसे। तू कुछ अगर बता बता सकती कैसे मनाना है तो फिर बता यार। तो कहती है कि नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, तू जाने और तेरी प्रीति जाने, मुझे बस बता देना कि चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में। तो कहती, क्या चल रहा है? कुछ भी मत बोल यार, कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा सुन, मैं क्या सोच रही हूँ, मतलब क्या? कुछ नहीं यार। चल ठीक है, मैं मनाती हूँ उसको। अब मैं कैसे मनाऊंगी, वही सोच रही थी। हाँ हाँ मना मना, पता चला फिर अब से तो तुझे तो थोड़ा बहुत पढ़ाई हो रही है तेरे साथ, वो भी ना हो। कहती, नहीं यार एक्चुअली पता है मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पर मुझे ना वैदेही के साथ वो उतने घंटे में जब वो चिल्लाती है पढ़ने के लिए फोकस बोलती है तो अच्छा लगता है यार उसके साथ। सीरियसली बोलूँ काफ़ी अच्छा लगता है। तो कहती है, अच्छा ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। असेंबली में तो इन लोगों के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी बातें चल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।